हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, यहां पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं अंडर 35,000 रुपीस की रेंज में। जी हां दोस्तों, 35,000 से कम के अंदर दो चीज आपको बहुत ज्यादा कॉमन मिलने वाली है इन सभी लैपटॉप्स के अंदर। आपको एक तो मिलेगी NVMe M.2 SSD प्रीलोडेड, प्लस आपको एक एम्प्टी स्लॉट मिलता है 2.5 इंच की HDD या फिर एक SSD लगाने का, जिसके चलते आप यहाँ पे जो टोटल परफॉर्मेंस जो है ना वो काफी ज्यादा मक्खन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही ज्यादा छोटी सी वीडियो है, अगर आप लोगों को एक ऐसा लैपटॉप चाहिए कि जो कि आपकी हर रेंज को फुलफिल करे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की हो सकती है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले एक मिडिल बजट के साथ में, यानी कि अगर आपका बहुत ज्यादा टाइट बजट है 25,000 रुपीज के आसपास, तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो यहां पे है दोस्तों, सबसे पहले हमारी लिस्ट में Asus Vivo Book 15। अब आप यहां से समझ जाओ कि 15 है तो यहां पे आपको 15.6 इंच की एक फुल HD स्क्रीन आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि यहां पे आपको अल्ट्रा नैरो बेजल्स मिलते हैं राइट और लेफ्ट साइड में, तो जिसके चलते आपको यहां पे जो व्यूइंग क्लैरिटी है ना वो काफी बढ़िया मिल जाती है। अब यहां पे मैं बात करूं अगर प्रोसेसर की, तो यहां पे आपको मिलता है डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है इंटेल सेलेरियन N4020 प्रोसेसर, जो कि एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। 4GB की रैम मिलती है DDR4, जो कि आप फर्दर एक्सपेंड कर पाओगे 8GB तक। तो यार ये काफी अच्छी चीज है कि आप फर्दर अपग्रेडेबल लैपटॉप्स आप लोगों को यहां पे मिल रहा है। कि अभी आप एक इनिशियल बजट के साथ अगर बहुत ज्यादा टाइट है ना, तो इस बजट के साथ ले लीजिए, बाद में आप एक रैम आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, अगर यदि आपको एक कुछ हाई सॉफ्टवेयर अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो। उसके बाद में स्टोरेज की बात आती है ना दोस्तों, ये कमाल की है, 256GB की NVMe M.2 SSD मिलने वाली है, प्लस आपको एक एम्प्टी स्लॉट मिलता है 2.5 इंच की HDD या फिर एक SSD लगाने का। और ग्राफिक्स सेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इंटेल अल्ट्रा HD 630 ग्राफिक्स आपको यहां पे मिल जाते हैं, जो कि एक काफी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। और अल्ट्रा लाइट वेट के साथ में आता है 1.6 kg के वेट के साथ में। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज सबसे बढ़िया क्या है कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी मिल जाता है, तो और जो कि विंडोज हेलो के साथ कंपैक्टिबल है। तो यानी कि ओवरऑल 25,000 रुपए के अंदर आपको एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए, जो कि एक सिक्योरिटी के अंदर भी काफी ज्यादा बेस्ट मिले और प्लस आपको जो परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया दे, तो Asus Vivo Book 15 जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारे पास में, आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आते थे कि बोलते हैं कि भाई डेल का लैपटॉप बताओ, क्योंकि डेल का जो है इजी टू रिपेयर है और हर कहीं रिपेयर हो सकता है। तो दोस्तों ये भी चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं, लेकिन बजट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब देखो, अगर आप 4-5 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो, एक 30,000 के आसपास अगर आप देख रहे हो एक लैपटॉप, तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों डेल इंस्पिरॉन 3502, एक काफी बढ़िया दोस्तों ये लैपटॉप है और एक अल्ट्रा लाइट वेट के साथ में आता है, और यहाँ भी आपको नैरो बेजल्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूं, तो इंटेल पेंटियम सिल्वर N5030 प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक काफी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। रैम की बात करूं, तो DDR4 मिलती है 4GB की, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर पाओगे 16GB तक, तो बहुत बेस्ट आपको अपग्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। स्टोरेज की बात आती है, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 256GB की NVMe M.2 SSD मिलती है, प्लस आपको एक एम्प्टी स्लॉट मिल जाएगा 2.5 इंच की HDD, नहीं तो वरना आप यहाँ पे SSD को आप लगा सकते हो, और मेरे हिसाब से आप लोगों को SSD के साथ जाना चाहिए। ग्राफिक्स की बात करें, तो इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो 30,000 के अंदर आपको एक पावरफुल पैक लैपटॉप चाहिए अपने बच्चों के लिए, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए, या फिर आप एक ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, या फिर आप अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये लैपटॉप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है 30,000 रुपए के अंदर। और अब बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और ज्यादा मैं बजट थोड़ा सा एनहांस कर दूंगा, और एक बार फिर से हमारी लिस्ट के अंदर आ रहा है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हो, डेल की तरफ से, जी हाँ डेल इंस्पिरॉन 3505। अब ये एक आता है राइजन के साथ में, तो यहाँ पे अगर आप लोग एक ऐसा लैपटॉप देख रहे हो कि 35,000 रुपए के अंदर राइजन के साथ जाना चाहते हो, तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है ना बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे मिलता है आपको प्रोसेसर राइजन 3 3250U प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। 8GB की आपको रैम मिलती है, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो 16GB तक, यानी कि आपको यहाँ पे एक एम्प्टी स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप 8GB की रैम लगा लीजिए, तो यहाँ पे फर्दर अपग्रेडेबल चॉइसेस के साथ में आता है। प्लस सेम चीज यहाँ पे एक बार फिर से बोलूंगा कि स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे जो है 256GB की NVMe M.2 SSD मिल जाती है,
और साथ में आपको एक एम्प्टी स्लॉट मिलेगा जिसमें आप एक 2.5 इंच की HDD या SSD को आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ग्राफिक्स की बात आती है तो AMD Radeon ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, प्लस MS Office 2019 आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ये भी एक काफी अच्छी चीज मिल जाती है। विंडोज 10 होम आपको सिंगल लैंग्वेज के साथ मिलता है। तो दोस्तों अगर आप एक Ryzen के साथ जाना चाहते हो ना तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। अब काफी लोगों की चॉइसेस होती है नहीं मैं इंटेल के साथ जाना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इंटेल के साथ में, यानी कि Asus Vivo Book 14। अब दोस्तों ये अभी तक का काफी ज्यादा बेस्ट लैपटॉप है। और दोस्तों अगर आपको Asus Vivo Book 14 या 15 के ऊपर अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपको मिलता है प्रोसेसर i3 10th जनरेशन के साथ में, 4GB रैम मिलती है जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर पाओगे डायरेक्ट 12GB तक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की तो 256GB की NVMe M.2 SSD मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे एक एम्प्टी स्लॉट मिल रहा है 2.5 इंच का जिसमें आप एक HDD SSD आप यहाँ पे लगा सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको MS Office मिल जाएगा 2019, फिंगरप्रिंट रीडर आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि विंडोज हेलो के साथ कंपेक्टेबल है, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको एक Asus का Vivo Book पसंद है और दोस्तों अल्ट्रा लाइट वेट आ रहा है, 1.6 kg का वेट के साथ में आता है और अल्ट्रा स्लिम बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी राइट और लेफ्ट साइड में, और ओवरऑल थिकनेस की बात करूँ तो 19mm की थिकनेस मिलती है, तो काफी ज्यादा लाइट वेट के साथ आता है और आप इसको ऐसे बुक की तरह भी कैरी कर सकते हो। तो 35,000 रुपीज और आप इंटेल के साथ जाना चाह रहे हो और कंफ्यूज हो कौन सा लूं, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और अब है दोस्तों हमारी लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लिस्ट, Lenovo IdeaPad Slim 3। अब ये जो Slim 3 है ना काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम लैपटॉप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और थोड़ा सा क्यों अलग हटके है ये लैपटॉप वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए i3 मिलता है 10th जनरेशन के साथ में, परफॉर्मेंस में आपको कमी नहीं आने देगा, 4GB रैम मिलेगी DDR4 जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर पाओगे 12GB तक। स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको 256GB की NVMe M.2 मिलती है, प्लस 2.5 इंच की आप यहाँ पे एक SSD या HDD आप लगा सकते हो। ग्राफिक्स की बात करूं तो इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और स्क्रीन साइज की बात करूं तो यार 15.6 इंच की आपको फुल हाई डेफिनेशन प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि अल्ट्रा नैरो बेजल्स के साथ में आती है। और अब बात करता हूं मैं आपसे कि इसमें क्या वो जो चीज है जो मैंने इसको चूज किया। देखिए सबसे पहली चीज की यहाँ पे आपको जो है 3 वाट के स्पीकर मिलते हैं, यानी कि फ्रंट में आपको यहाँ पे जो है 1.5 वाट इंटू 2 यानी कि 2 स्पीकर मिल जाएंगे जो 3 वाट का आउटपुट देंगे जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है, काफी बेस्ट साउंड क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करने वाले हैं। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो आपको प्राइवेसी शटर मिलता है कैमरे पे वो आपकी सिक्योरिटी को और एक लेवल पे एनहांस कर देता है। तो आजकल जितना जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है यार, देखो आप पता नहीं कब किसका कंप्यूटर हैक हो जाता है और आपके जो कैमरे से वो वीडियो कब रिकॉर्ड हो जाएगी आपको पता नहीं लगता है, तो इसलिए ये प्राइवेसी शटर जो है यहाँ पे काफी बढ़िया रोल प्ले करता है। तो यार अगर आपको एक थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से चाहिए कि प्राइवेसी शटर चाहिए और एक बेस्ट साउंड चाहिए एक 35-36,000 रुपीज का के अंदर और एक बड़ी वाइड स्क्रीन के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। तो यार ये थे वो 5 ऐसे लैपटॉप जो कि आपको एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना चाहिए अंडर 35,000 रुपीज के रेंज में। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से एक बार चेकआउट करें। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन लैपटॉप्स के बारे में जरा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अब आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।